सबसे पहले आपको जुमातुल विदा मुबारक। इस आखिरी जुमे में, रमजान शरीफ के आखिरी जुमा में दुआ कीजिए कि आप पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और पाकिस्तान में ऐसे हुक्मरानों के लिए जो सिर्फ पाकिस्तान का सोचें, अपना ना सोचें, इसके लिए हसूसी दुआ जरूर। इन सियासी हालात में जिस तरह गुज़श्ता रात अचानक पिंडी की आवाम सड़कों पर निकल आई, बगैर किसी काल के लोग सड़कों पर निकल आए और निकले भी, ब्रेकिंग न्यूज देता चलो। ब्रेकिंग न्यूज ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक। सबसे पहले आपको जुमातुल विदा मुबारक। इस आखिरी जुमे में, रमजान शरीफ के आखिरी जुमा में दुआ कीजिए कि आप पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और पाकिस्तान में ऐसे हुक्मरानों के लिए जो सिर्फ पाकिस्तान का सोचें, अपना ना सोचें, इसके लिए हसूसी दुआ जरूर करें। और आज के दिन दुरूद शरीफ भी ज्यादा से ज्यादा जरूर पढ़िए, जुमे का दिन है। आकेदो जहां हस्ती मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आप दुरूद शरीफ का नजराना पेश करेंगे तो हजारों लाखों करोड़ों गम भूल जाएंगे। अब जरा बात करते हैं गर्मा गर्म तेज हालात की, वो सियासी हालात जो इंतहाई गर्मा गर्म और तेज हो चुके हैं। इन सियासी हालात में जिस तरह गुज़श्ता रात अचानक पिंडी की आवाम सड़कों पर निकल आई, जिस तरह अचानक सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में बगैर किसी काल के लोग सड़कों पर निकल आए और निकले भी पिंडी में, जहां पर लोगों ने इमरान खान की रहाई के लिए रो रो कर, गिर गिरा कर दुआएं मांगी, मुतालबा किया, दुआएं रब के हजूर मांगी, मुतालबा हुकूमत वक्त से किया कि बेगुना कैदी नंबर 804 को रहा किया जाए। कैदी नंबर 804 एक ऐसा ब्रांड बन चुका है क्या पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, दुनिया भर में बतौर एक हीरो उसकी शराहत बन चुकी है। पाकिस्तान के अंदर अब हालात इस तेजी से तब्दील हो रहे हैं कि कैदी नंबर 804 की हर सूरत में हुक्मरानी आने वाली है। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं की वो मुलाकात जो कैदी नंबर 804 से हुई, उस मुलाकात में बड़ा वाजे क्लियर तौर पर ऐसा प्लान मुरतब किया गया, ऐसी हिकमत अमली बनाई गई कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक ग्रैंड अलायंस बनाकर एक ऐसी इत्तेजाजी मुहिम चलाई जाए ताकि यह तासर ना मिले कि सिर्फ एक सियासी जमात, बल्कि यह साबित हो कि अक्सरियत सियासी जमातें इन इंतहाबात को मुस्तरद करती हैं। जिन इंतहाबात का रिजल्ट लेट आया, जिन इंतहाबात में खाने वालों को जिताया गया और जिन इंतहाबात में बहुत से ऐसे इल्जामात सामने आए जिससे इन इंतहाबात के शफाफ होने पर सवाल या निशान उठता है। एक तो ग्रैंड लाइंस तो बन ही रहा है, साथ में आपको खबर देते चलें, बड़ी जो अहम तरीन खबर है, इस ग्रैंड अलायंस में नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम का बागी ग्रुप भी शामिल होगा। बड़ी खबर दे रहा हूं, पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत कई सियासी जमातों के अहम तरीन रहनुमाओं के, बागी रहनुमाओं के कप्तान से राबते शुरू हो गए हैं। कप्तान के करीबी साथी के जरिए वो कप्तान से
मिलना चाहते हैं, वो कप्तान की इस एहतजाजी मुहिम में उनका साथ देना चाहते हैं। हकूमती सियासी जमातों के अंदर एक बड़ा बौचाल आ गया है, एक हकूमती वानों में जलजला आ गया है कि हकूमत के अंदर मौजूद सियासी जमातों के अंदर एक बड़े बागी ग्रुप जो हैं वो खुलकर जल्द सामने आने वाले हैं। अब आपके जहन में होगा कि क्या ऐसा होता है, किस तरह हुकूमत में मौजूद बंदा हो और बागी ग्रुप बन जाए। तो ये तो हो चुका है, होता नहीं, ये हो चुका है। और मेरे पास अहम तरीन जराए से ये खबरें मौजूद है कि उन बागी ग्रुप के अरकीन ने, जिनमें से बहुत से पार्लियामेंट के अंदर है, बहुत से पार्लियामेंट के बाहर है, लेकिन उनकी अपनी एक शनाहत है, उनके अपने एक दरे हैं, उनके बहुत से लोग जीते हुए हैं, उनके बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे बैठे हुए हैं सियासी जगहों पर, उन लोगों ने खुलकर अपनी ही जमातों के खिलाफ बाहर आने का फैसला कर लिया। जल्द आपको वो लोग एक बड़े इत्तेहाद में शामिल होकर कप्तान का साथ देते नजर आएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक सियासी बौचाल है। अब जरा बात करते हैं कि खत कहां से आए, वो खत जिनके हवाले से मेडिकल रिपोर्ट भी, जिनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुकी है कि उनमें जो केमिकल था, जो पाउडर था, वो कितना खतरनाक था। बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि जहां पर जिस बॉक्स में ये लेटर डाला गया, खत डाला गया, उसके इर्द गिर्द कैमरे खराब किए गए या फिर कैमरों पर तवज्जो ही नहीं दी गई। लेकिन सुनने में आया है, आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, सुनने में आया है कि कुछ कैमरे ऐसे भी थे जो ठीक थे और उनमें कुछ ऐसी फुटेज नजर आ गई हैं, जिसके बाद बहुत जल्द, मैं पहले भी कह चुका हूं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। सुनने में आया कि खत देने वाले जो लोग भी थे, जिस तंजीम से भी उनका तल्लक बताया जाता है, जो लिखा होता है, और ये एक से जायद एड्रेस मुख्तलिफ जगहों से ये भेजे गए लेटर्स, इनके हवाले से सुनने में आ रहा है कि एक इंटरनेशनल मीडिया और एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान के खिलाफ है, वो भी इसमें बराबर का अपना रोल अदा कर रहा है। अब वो किस काम में रोल अदा करेगा, वो क्या काम होगा उसका, वो किसका सहूलतकार है या उसके कितने सहूलतकार हैं जो ये काम कर रहे हैं, ये तो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि जिसको भी लेटर मिला है, उसमें से अक्सरियत डट गई है और डट कर कह रही है कि हम मुकाबला करेंगे इन तमाम हालात का जिनमें हमें धमकी दी गई है। धमकी देने वाला कितना भी किसी सियासी जमात से हो, किसी मजहबी जमात से हो, किसी लसानी जमात से हो, या किसी भी सियासी जमात से हो, जिसका तल्लक चाहे जितना मर्जी खतरनाक टाइप का हो, हम मुकाबला करेंगे। अब इस के हवाले से आज तो वजीर आजम ने भी कहा है कि हमने बोल कोर्ट को वेंक दी है, कोर्ट इसमें फैसला करेगी। देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करती है, लेकिन उम्मीद है कि फैसला बेहतर होगा। एक चलते चलते आपको ब्रेकिंग न्यूज देता चलो। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि हुकूमत के अंदर चंद बड़ी तब्दीलियों के हवाले से मशावरती अमल मुकम्मल हो गया। वो कौन तब्दील होगा, क्या मशावरती अमल होगा, बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।